हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई एम लिसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सो ये है आपके लिए वीकली होरिसको फॉर दिस वीक और एज यू नो दिस इज़ लाइक अ न्यू मंथ जो हमारे लिए स्टार्ट हो रहा है सो इस वीक में देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर मैं गाइडेंस भी शेयर करूँगी एज़ पर ओरिकल और थ्रू टैरो विद दिस ब्यूटिफुल न्यू डेक मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ कि इस वीक का आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या सरप्राइजेज एंड वॉट काइंड ऑफ यू नो पॉजिटिविटी एंड वार्निंग आपको रिफ्लेक्ट होगी सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है टैप ऑन योर टाइम एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को जान पाएंगे और यस सनशाइन मूनशाइन आप जो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट सो एरीज आई विल गोना स्टार्ट विद फर्स्ट एंड जोडिक साइन आई सी यू इन योर रीडिंग हाय अरीस जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो फर्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथ फॉर योर पर्सनल लाइफ और करियर के लिए अगर हम देखें तो वी हैव द फोर ऑफ सॉट ओके सो देखो आपके लिए स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ़ सॉड आ रहा है इस वीक में अगर हम बात करें तो पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी सारी अपनी चीज़ों को हैंडल मैनेज करना होगा थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सो ईजी इट्स मोर कमिंग कि आप अपनी तरफ से आपको हर चीज़ के अंदर टाइम एनर्जी एफर्ट्स को पुट ऑन करने होंगे तब जाके आप लीड कर पाएंगे सिचुएशनस को हैंडल कर पाएंगे या हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे सो इट्स नॉट अ ईजी टाइम इट्स मोर लाइकली लाइक अ करेजियस एंड कॉन्फिडेंस एनर्जी विच यू रिक्वायर्ड मोस्ट तभी आप इस वीक के अंदर अपनी सारी चीज़ों को यू नो विदाउट एनी लॉस और विदाउट एनी सेक्रीफाइस हैंडल एंड मैनेज करेंगे सो so ये वीक आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉ यू नो टफ हो सकता है लाइक वेन वी हैव टू कंट्रोल आर इमोशन वेन वी हैव टू मैनेज We have to keep that, not give up spirit. इस तरीके से आपको यहाँ रखना होगा लेकिन as strength, line लाइन एनर्जी यू आर लीडिंग तो अगर आप confident रहते हैं आप give up नहीं करते हैं तो you will win। आपकी victory है ठीक है इसी के साथ यहाँ पे लाइन energy आ रही है so you must focus on the sun। जितना sun strong होगा उतना ही आपके लिए आपका वीक आपके इवन इमोशनल पार्ट आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी इसी के साथ आपके लिए है फोर ऑफ़ शॉर्ट फॉर योर करियर इन करियर यू आर इन पॉज मोड यू आर नॉट वर्किंग एक्टिवली इस वीक में आप अपने सिचुएशंस और आप अपने ऑप्शंस एंड चॉइसेस को शफ़ल करेंगे आप उसमें सोचेंगे कि अब मुझे क्या ओपिनियन या किस चीज़ को अपने फर्स्ट प्रायरिटी देना है बिकॉज इट्स लाइक अ रेस्टिंग टाइम मोर कम्युनिकेटिंग एक्सप्लोरिंग रिसर्च और यू you नो know, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन जिससे कि आप फाइनल कर पाएं कि अब दिस इज़ इट दिस इज़ माई प्लानिंग क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन या वेट या कुछ कंक्लूज़न की भी एनर्जी है तो हो सकता है आप कुछ फ़ाइनल uh, रिजल्ट का फाइनल कुछ कंक्लूजनस का वेट भी करें ओके सो एरीज आपके लिए ये न्यू मंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस वे में आ रही है कि मतलब ये पॉजिटिव है दोनों जगह पर आप एक री प्लान और एक ब्यूटीफुल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सो so फर्स्ट आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी है दैट इज दिस इज़ एक्सेस योर रिलेशनशिप इट्स अ इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को प्रायरिटी देनी है कौन आपके कंपैटिबल पार्टनर हैं या किन के साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं पर्सनल सोशल लाइफ इट्स टाइम फॉर कम्युनिकेशन इट्स टाइम फॉर नेटवर्किंग ओके और यूनिटी इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो समवेयर आपको ये देखना होगा समझना होगा कि वॉट इज़ एक्चुअली प्राइड व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड वॉट इज़ ईगो व्हाट इज़ नेगेटिव जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे इनके बीच में जो हेयरलाइन गैप होता है उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के अच्छे प्लान्स अच्छे actions and advices के साथ चल सकते हैं ठीक है so this is all for you for this week this is like a new week is uh, coming for you so wishing you a very good luck for July month and अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं आप अपने गुड लक के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आई सजेस्ट यू कि विच वन विल ब्रिंग द गुड लक टू यू ओके सो दिस इज़ ऑल बाय हाय टॉरस जान लेते हैं ये नया मंथ का न्यू वीक आपके लिए क्या एनर्जी ला रहा है आप ज़रूर गुड लक और एंजल ब्लेसिंग्स लिखें कमेंट सेक्शन में सो पर्सनल लाइफ वी हैव द व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून सो टॉरस इट्स रियली पॉजिटिव टाइम फॉर यू पर्सनली एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल सो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर आपके कर्मा का रिजल्ट आ रहा है लाइक जो भी आपने अभी तक किया है जो भी आपने अब तक सोचा है या एक्शंस लिए हैं उसका अब रिजल्ट क्योंकि ऑफ़ फॉर्च्यून इस वीक में आपकी एनर्जी में आ रहा है लक सरप्राइजेज एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन योर कर्मा तो इट्स लाइक अ फाइनली यू नो रिज़ल्ट टाइम ऑफ योर इंटेंशन योर डेडिकेसन तो पर्सनल लाइफ में सरप्राइजेस ट्रैवलिंग सम गुड न्यूज़ जो आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेकर आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे इस तरीके से ये एक हैप्पी टाइम आपके लिए दिख रहा है दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग यू कैन सी हेयर वी हैव ऑल द सरप्राइजेज दैट कुड भी वेकेशन दैट कुड भी सम काइंड ऑफ़ यू नो लव और कार uh, यहाँ पर आ रहा है मनी मनी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें फूड सो यू आर एक्चुअली इंजॉइंग यू आर इन अ हैप्पी मूड लेकिन ये एक व्हील है विद कारमा सो so अगर आप कुछ चीज़ों के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ यू um, नो you know, सम गुड रिजल्ट इन दिस वीक तो उसका आप ये भी देख कर चलें कि आपने उसमें कितना क्या कैसा इंटेंशन कितनी मेहनत एंड एफर्ट्स डालें बिकॉज टाइम इज़ टू वॉच आउट योर एक्शन्स यहाँ आपके लिए लेकिन वील अफॉर्चून इट्स अ लकी सरप्राइज टाइम सो गुड लक इस वीक में आपको कुछ भी अच्छा गुड न्यूज़ सरप्राइजेस मिलने सकते हैं जिसकी आप अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं थी या फिर जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे ओके देन वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल जैसे यहाँ तो वोकेशन एंड लोकेशन चेंज भी दिख रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी यू गाइज कैन हैव अ सम क्विक यू नो रूटीन प्लान फॉर ट्रैवलिंग एंड एवरी थिंग देन वी हैव हेल्प फंड एंड दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग सिक्स ऑफ पेंटिकल ये कैसा टाइम है जहाँ पर आपको अगर मदद चाहिए तो आपको करियर में हेल्प मिलने वाली है फाइनेंशली हो इन्वेस्टमेंट की हो या फिर किसी की तरफ से रिवॉर्ड्स uh, की या कोई अच्छे रिजल्ट की साथ ही साथ यू आर आल्सो कमिंग हेयर कि आप इस वीक में दूसरों की बहुत हेल्प कर सकते हैं मदद कर पाएंगे उनको मनी uh, वाइज और आ एडवाइस वाइज और आइर सपोर्ट वाइज सो इट्स लाइक अ वेरी बैलेंसफुल वीक जहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल यू कैन सी डोनेट नाव तो यू आर डोनेटिंग यू आर गिविंग यू आर हेल्पिंग अदर्स ओके सो करियर वाइज ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपके डोनेशन से मतलब आपकी हेल्प से आपके एक्शन से आपके गिवर वाले एक बिहेवियर से आपको ग्रैटिट्यूड मिलेगा और आपको रिजल्ट उल्टा वापस में बहुत सारी ब्लैसिंग्स बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन होके बेनिफिट्स होने वाले हैं सो so ये वीक आपके लिए ओवरऑल एक काइंडनेस का है धर्म का है कर्मा का है हाउ मच यू आर पॉजिटिव हाउ मच यू आर हेल्पिंग अदर्स हाउ मच यू हैव कीपिंग पॉजिटिव इंटेंशन किसी की बुराई नहीं किसी की तरफ जैलिस नहीं कितना अच्छा आप अपनी तरफ से वीक को रख रहे हैं उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ओके आप किसी की मदद भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई हेल्प अगर आप करना चाहें तो इट कुड बी एनी थिंग लाइक सोशल वेलफेयर सो यहाँ पे देख लेते हैं इंजल मैसेज क्या आ रही है इस वीक के लिए ऑब्जर्व योर एटीट्यूड या दैट्स वॉट वी आर से है ना यहाँ पे आप ज़रूरतमंद हैं या फिर आ, किसी को लेकर आपको अपने एटीट्यूड को देखने की ज़रूरत है आप कैसा एटीट्यूड रख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव होपफुल और डीमोटिवेशन वॉट इट इज़ सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपको अपने ऊपर अब अप चेक करने की ज़रूरत है वॉच योर सेल्फ ओके क्योंकि वो ही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी फ्यूचर की प्लानिंग को अनदर मेसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू इज़ फॉलो योर ड्रीम्स या इट्स अ हाई टाइम इट्स अ गुड टाइम जिसमें कि आपको अपने ड्रीम्स की तरफ अपने पैशन की तरफ अपने बड़े गोल्स की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वेट कन्फ्यूज़ होना नहीं है सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स यू वांट लकी जैम सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू कि जो आपकी लाइफ में गुड लक एंड लॉट्स ऑफ फंड आपके लिए लेकर आए ओके सो दिस इज़ ऑल बाय टेक केयर हाय जेमिनाइन चेक कर लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सो वी हैव फर्स्ट एज द हाई प्रस्टिस एनर्जी तो बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है विद वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड करियर के लेकर क्वीन ऑफ सॉर इट्स लाइक विन विन फॉर यू जेमिनाइन क्योंकि इस वीक में हम एनर्जी देख रहे हैं तो दोनों ही एनर्जी आपके लिए बहुत ही रिलैक्स सूदिंग एंड हैप्पी टाइम दिख रहा है इस्पेली पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन करमा और यू नो काइंडनेस की तरफ जाएंगे जहाँ पे आप प्रॉस्पैरिटी एंड बैलेंस में समवेयर सन एंड मून आपकी दोनों चीज़ बैलेंस हो रही हैं और आप कुछ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने वाले हैं मेचोरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग का क्योंकि यहाँ आप डिसीज़न ले रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ योर इंट्यूशंस व्हाट इज़ योर प्लानिंग बेस्ड ऑन दैट क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अपनी खुद की इंट्यूशंस पर अपने खुद की इमोशंस पे अपने खुद की चॉइसेस के लेकर ठीक है दिस इज़ वेयर दिस इज़ कमिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस तो आप हो सकता है कि इस वीक में मदद लें हेल्प भी लें गुरु कनेक्शन और आयदर समवन जिनसे आप गाइडेंस लेंगे क्योंकि उनके थ्रू भी आप क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आपको अब आप क्या फॉलो करना चाहिए जो आपका मन कह रहा है वो या फिर जो सुचुएशंस अलाउ कर रही है या फिर जो और लोग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ आप दो सुचुएशंस के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं इस वीक में ओके इसी के साथ यहाँ पर लेकिन आप बहुत इंडिविजुअल आ रहे हैं आप ऐसा नहीं कि आप किसी के भी सामने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं यू आर कमिंग हियर वेरी कॉन्फिडेंट एंड शेयरिंग विद योर पर्सनल यू नो कनेक्शन जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए देन क्वीन ऑफ सॉट वर्किंग एनर्जी में तो आप बहुत सिक्योर पावर एंड कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और इस वीक में आपकी जो चीज़ें हैं वो आपका प्रोजेक्ट रहे आपकी पोजिशन रहे कोई आपकी प्रिपरेशन रहे यू आर कमिंग ऑन टॉप यू आर कमिंग ऑल लाइक करेजियस एंड हैंडलिंग और आप बहुत सिक्योर भी कर रहे हैं हे द दिस एनर्जी इज कमिंग ऑल द विक्ट्री एनर्जी ओके तो ये वीक मेंटली इंटेलिजेंसी इंटेलक्ट एनालिटिकली इन सब चीज़ों के से बना हुआ है तो इस वीक में करियर वाइज कोई भी ऐसा नहीं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी इस वीक में आप अपने माइंड को यूज़ करके राइट डिसीजन्स राइट प्लानिंग राइट स्टेप्स आगे लेने वाले हैं और वहीं आपकी ये सारी चीज़ें आपके आसपास का एटमॉस्फेयर सिक्योर रहेगा ठीक है so, सो ये हाई टाइम दिख रहा है वेयर यू आर यूजिंग हेयर इन प्रोफेशनल लाइफ योर माइंड एंड योर हार्ट इन योर पर्सनल लाइफ सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है जहाँ जो यूज़ होना है वही हो रहा है सो एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए ईट हेल्थफुल फूड देखो जितना हेल्दी आप खाना खाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल लाइक जैसा हम खाते हैं जैसा अन्न होता है वैसी मन होता है सो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर हेल्दी डाइट हेल्दी प्लान्स इसलिए ही हाइप्रेस्टिस आ रहा है मैं बोल रही थी ना कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट आ रहे हैं यूर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स सो टाइम इज़ टू टेक अ हेल्दी डाइट तभी आपका माइंड में भी पॉजिटिव थाट्स बनेंगे ओके देन वी हैव एग्जाम इन योर पर्सनल इंट्रैक्शन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू थ्रू एग्ज़ामिन योर ओन था आप आप कैसा बिहेव कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं आपको क्या करने की प्लानिंग है एवरी थिंग यू नीड टू एग्जामिन हेयर आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता था और आपने कोई डिसीज़न ले लिया और नाउ यू आर थिंकिंग एंड रिग्रेक्टिंग इट्स टाइम टू एनालिस एवरी थिंग ओके देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू इट इज़ द टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट यू टू थिंक अबाउट योर प्लान एंड यू नो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को लेके बहुत कैलकुलेटिव होना है योर पर्सनैलिटी योर थाट्स योर डेवलपमेंट ऐसा सो दिस इज़ ऑल अगर आपको लकी क्रिस्टल्स अपने लिए चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आई विल सजेस्ट यू पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी सी यू अगेन बाय हाय कैंसर जान लेते हैं विश यू ऑल आर वेरी हैप्पी बर्थडे फर्स्ट थिंग क्योंकि अब ये आपके सीजन है सो so देख लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है लेट मी चेक सो फर्स्ट वी हैव द सिक्स ऑफ वन्स सिक्स ऑफ वन्स एनर्जी है आपकी फॉर योर पर्सनल लाइफ जो बहुत ही पॉजिटिव है एंड देन वी हैव द थ्री ऑफ सॉट देखो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों एनर्जी आपके लिए देखें तो बहुत डिफरेंट है दिस इज़ ऑल कमिंग नेम एंड फेम हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आपको घर में रेस्पेक्ट मिल रही है आप इन्जॉय कर रहे हैं हर कोई आपको वैल्यू दे रहा है अटेंशन दे रहा है और जो आप ऑनर या फिर जो आप uh, सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं वो इस वीक में बने रहेंगे सो so, कैंसर ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे योर एक्शन योर पर्सनालिटी और योर एफर्ट्स एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग इट सो पर्सनल लाइफ में तो आपकी विक्ट्री एंड आपका खुद का बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है और हाँ आपको आप रीज़न आप दे रहे हैं या आपकी फ़ैमिली में रीज़न बनेगी टू सेलिब्रेट टू इंजॉय दिस इज़ द रीज़न एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड दिस कैंडल्स आर ऑल कमिंग लाइक यू नो

द थ्री ऑफ सॉट इन करियर करियर में कुछ रिजेक्शंस या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हार्ट ब्रेक एनर्जी है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद नहीं या फिर जिन चीज़ों के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो अभी तक नहीं हुई सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ पॉसिबल दे यू नो जहाँ माइंड कुछ कह रहा है और मन कुछ कह रहा है और जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो बहुत सेटिसफैक्ट्री नहीं आ रही हैं रिजल्ट सेटिसफैक्ट्री नहीं दिख रहा है सो हे लाइक वेन वी हैव आ ट्रामेटिक सिचुएशन हमारा मन नहीं है लेकिन हमें हमारा काम करना पड़ेगा हमको वो अच्छा पसंद नहीं आ रहा लेकिन वी हैव टू वेट तो यहाँ पे आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट मन अप मतलब बहुत खुश नहीं दिख रहा है इन करियर टर्म्स वहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर कोई यू नो रिजेक्शन इस तरीके से आप यहाँ कुछ चीज़ें अपने मन में कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट पाएंगे ठीक है सो लेट मी सी औरल गाइडेंस क्या है आपके लिए वी हैव फर्स्ट एज ब्रिंग यूमर इन इन टू योर लाइफ सो इट्स रियली अ गुड टाइम जहाँ पर आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को एक्टिवली यूज़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि यू you नो know, कि और क्या सोचते हैं या फिर और लोग उस चीज़ के लिए आ, कैसा एक्शन लेंगे बिहेव करेंगे इट्स टाइम फॉर यू टू यूज़ योर यूमर योर वे ऑफ़ हैप्पीनेस योर वे ऑफ़ रीज़न टू स्माइल ठीक है अपनी तरीके से खुश रहने का आपको एक यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है

रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें सिंक्यूनिटी देखें किससे क्या प्रॉफिट हो रहा है या किससे क्या लॉस हो रहा है या किससे कितनी ग्रोथ हो रही है या किससे कितना डाउनफॉल हो रहा है यू हैव टू ऑब्जर्व दिस द चार्ट्स बैरोमीटर एंड द एंजल नंबर्स ओके सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू कैंसर आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट अगर आप लकी जैम स्टोन्स और क्रिस्टल्स चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं सो so आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू एंड इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं सो तो आप इंस्टाग्राम नो no, फिर आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी ठीक है बाय हाय लियो जान लेते हैं आपकी इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो वी हैव फर्स्ट द टैन ऑफ पेंटिकल लियो पर्सनल लाइफ में आपके लिए टैन ऑफ पेंटिकल आ रहा है एंड करियर की बात करें हम सो so आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉड सो लियो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपकी दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है लाइक यू आर ऑन अ राइट पाथ बेसिकली क्योंकि यहाँ पर टेनोपेंटिकल फैमिली हैप्पीनेस एंड दैट अबेंडेंस लॉर्ड्स ऑफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन्जॉयमेंट रीज़न टू इंजॉय रीज़न टू हैव दैट काइंड ऑफ सेटिसफैक्शन इन होल एंड एवरीबडी लाइक वो स्मॉल बेबी की बात हो या फिर किसी पर्सन की ग्रोथ की बात हो मनी इनकम सेटलमेंट एंड प्रोस्पैरिटी की बात हो या मिलजुल के एक साथ कुछ चीज़ों में सेलिब्रेशन करना हो आपके लिए ये एक हैप्पी फन टाइम दिख रहा है जहाँ पे सिर्फ आप ही नहीं आपकी होल फैमिली या फिर आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं या आप जिनसे अपने आप को रिलेट करते हैं एवरीबडी इज़ कमिंग लाइक हैप्पी एंड एंजॉइंग ठीक है सो ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दिख रहा है द होम फीलिंग इज कमिंग सो इज ऑल अबाउट लाइक समथिंग रिलेटेड टू द हाउस फैमिली लैंड प्रॉपर्टी और आइदर सम वेरी प्रिटी गुड न्यूज़ अबाउट ग्रोथ इन चीज़ों की वजह से आप बहुत खुश रहेंगे मैरिज को लेके गेट टुगेदर या फिर किसी चीज़ का गेट टुगेदर भी आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है सो लियो इट्स अ गुड टाइम इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ हेडिटरी कनेक्शन फैक्ट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग जो इस वीक में आपको मिलेंगी सो हैव फन ये वीक आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है और जहाँ आपको प्रोस्पैरिटी मिल रही है और आपके आसपास के और फैमिली मेम्बर को भी क्वीन ऑफ सॉर्ट दिस वीक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आप अपनी वर्क लाइफ को भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं आप अपनी चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं इंटेलिजेंसी से विजडम के साथ एक्शंस प्लानिंग लेके चल रहे हैं एंड दैट्स एक्चुअली वर्दी दैट्स गिविंग यू दी हराई की यू नो आपको ऊपर लेके जा रहा है तो ये वीक आपके ही पावर में है कंट्रोल में है और सेफ है आपकी खुद की पोजीशन या आपका जो वर्क है सारी चीज़ों में आपको अपना एक्नॉलेजमेंट मिलेगा सो क्वीन ऑफ सॉर्ट यू आर यूजिंग योर नॉलेज इंटेलिजेंसी एक्सपीरियंस एंड देन रूलिंग थिंग्स तो ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए जहाँ आप अपनी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके खुशी खुशी चीज़ों को ले चल रहे हैं देन क्लियर आउट द डैबरीज ये एक टाइम है जिसमें कि सारी जो डैबरीज हैं जो यूजलेस चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें वेस्ट हैं और अब आपको वो सब को एक तरीके से क्लियर कर देना चाहिए जैसे हम डस्टिंग करते हैं घर की ऐसे अपने माइंड को भी डस्ट आउट कर देना चाहिए जिससे कि आप उसको बहुत क्लियर फ्रेश और हैप्पी रख लें जिससे कि आप उसमें अब नए थॉट्स और नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाएँ ठीक है पुरानी बातें छोड़ के पुरानी डिस्टर्बेंस एंड नेगेटिविटी को दूर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड देन वी हैव दिस एक्ट रादर दैन वेट दिस इज द टाइम टू एक्ट एक्शन आगे चलने की ज़रूरत है रादर दैन वेट थिंक ओवर थिंक एंड कन्फ्यूज सो लियो आई होप ना यू हैव दिस क्लैरिटी हर जगह पर आपके लिए आ ही रहा है पॉजिटिविटी हैप्पीनेस एंड एक्शंस ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर यू आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स इन जैम स्टोन फॉर यू जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू ओके बाय हाय वर्गो जान लेते हैं आपके लिए इस स्वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो वर्गो आपकी एनर्जी फर्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथ फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए आ रहा है हमारे लिए टू ऑफ शॉट सो so, वर्गो ये जो वीक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दोनों एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपकी एफ़र्ट्स के साथ देख रही है मतलब आप यहाँ मेन रोल प्ले कर रहे हैं द स्ट्रेंथ यू आर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग एवरी थिंग एवरी सिचुएशन हेयर आउट और आप उन चीज़ों को यू नो वेट करना पेशेंस रखना अप नहीं करना लोगों को अपने इमोशंस को मैनेज करना हैंडल करना अपने आप को एक तसली देना ये सारी चीज़ें आप कर तो है, तो रहे हैं तो यू आर मैनेजिंग सिचुएशन यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग जो भी क्यूस है ठीक है तो ये वीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ रहा है आप करेजियस एंड कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं टू होल्ड ऑन द दा सिचुएशन आप किसी भी सिचुएशन से डर नहीं रहे हैं एस्केप नहीं कर रहे हैं और फ्रस्टेट नहीं हो रहे हैं आप बहुत ही मेचोरिटी के साथ लाइक अ लीडर लाइक अ लायन आप इस वीक को हैंडल करेंगे तो ये वीक बहुत ज़्यादा केक वॉक नहीं होगा ये इजी नहीं दिख रहा है ये वीक ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे द गॉड इज़ टेस्टिंग यू और आप वहाँ अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं टू होल्ड एंड टू मेक द सिचुएशन बेटर ठीक है तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस लेकर आने वाला है जिसको आपको मैनेज करना है इसमें हो सकता है कुछ भी नहीं हो बस आप वेट करते रहें और दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टफ एनर्जी बिकॉज पेशेंस इज़ रियली अ बिग यू नो रिवार्ड अगर किसी के पास पेशेंस है तो तो वो पेशेंस की एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है देन वी हैव द टू ऑफ सॉड और ये आपके करियर को लेकर आ रहा है करियर में आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं इस वीक में ऐसा नहीं कि यू आर नेगेटिव यू आर डाउटफुल एंड यू आर नॉट विलिंग टू वर्क फॉरवर्ड बट आपके मन में ऐसा आ रहा है कि अब आप, आप किस टूल को किस एक्सपीरियंस को या किस फील्ड को या किस रिसोर्स के साथ आगे बढ़े किस रास्ते को आप चुनें तो ये वीक ऐसा रहेगा जिसमें आप एक तो अगर आपके आसपास कुछ फाइट कंफर्ट चल रहे हैं आपके बॉस से आपके टीम से या आपके अपने ग्रुप में तो वो सॉल्व आउट होंगे वहाँ पे हारमोनी है पीस है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है अलॉन्ग विद दैट आपके मन में थॉट रहेगा कि अब मुझे किस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है सो देर यू आर कमिंग कन्फ्यूज़ बिटवीन दी ऑप्शन ठीक है तो वहाँ आप सोचेंगे कि अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बट वॉट शुड यू डू ट्यूशन कुछ और कह रही है मन कुछ और कह रहा है सिचुएशन और कुछ कह रही है ऐसा तो वहाँ आप थोड़ा सा बीच में फंस सकते हैं विजुअलाइज हेल्दी बॉडी एंड माइंड इस टाइम पे आपको एक पॉजिटिव हेल्दी बॉडी एंड माइंड को विजुलाइज करने की ज़रूरत है तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे इतना डीमोटिवेट लो फील करना जज अपने आप को करना या दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना वो नहीं करना है यू हैव टू विजुलाइज पॉजिटिव मतलब अपने अंदर विजन लाएं पॉजिटिविटी का एंड एवरी विल वर्क आउट ठीक है इसी के साथ आपके लिए एनर्जी है एक्सेस योर रिलेशनशिप इट्स अ रियली गुड टाइम ऑफ बैलेंस ये भी बैलेंस का कार्ड है जितना कनेक्शन जितना नेटवर्किंग और जितना आप अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे अपने आसपास जो ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनको खोना नहीं चाहिए तो इस टाइम पर उन चीज़ों के लिए पेशेंस रखना और कोऑर्डिनेट करना दोनों पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है थीके? ये दोनों ही पार्ट पे आ रहा है आपके इस वीक के लिए क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है कि होल्ड ऑन वेट बिल्कुल चीज़ों को ख़त्म नहीं करें और यहाँ पे भी आ रहा है कि दोनों पार्टी दोनों कनेक्शन दोनों थॉट्स को बैलेंस कर लें ऐसे नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट कटिंग आउट द थिंग्स ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगर आप लकी क्रस्टल्स लेना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से बुक कर लीजिए वहाँ से आप मुझसे फिर बात कर पाएंगे ओके okay? बाय हाय लिब्रा जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली एज न्यू मंथ इज स्टार्टिंग सो कैसा रहने वाला है वी हैव द स्टार इन योर पर्सनल लाइफ एंड करियर में आपके लिए आ रहा है द पेज ऑफ पेंटिकल सो लिब्रा इट्स अ हाई टाइम इट्स अ वेरी गुड टाइम ये जो आपके लिए नया वीक स्टार्ट होगा ये आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत बैलेंस बना रहा है आप अपने हेल्थ आप अपनी ग्रूमिंग आप अपने मेंटल पीस आप अपने खुद की हारमनी पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग और यू you नो know, सभी को अपने जो नियर एंड डियर वनस हैं यहाँ पर जिनको आप लव करते हैं उन सबको आप अच्छे से बहुत ज़्यादा अपने क्लोज हैप्पीनेस के साथ आगे लेके जाएंगे मीन्स इट्स मोर कमिंग लाइक अ हीलिंग पीस हारमोनी एंड सेटिस्फैक्शन एंड यू नो मैनिफेस्टिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं सो दिस इज़ वेयर यू आर कोऑर्डिनेटिंग बैलेंसिंग एवरी सिचुएशन आउट और आप यहाँ पे हेल्दी भी रहेंगे तो इट्स अ गुड टाइम ये एक बहुत ही अच्छा लव रोमांटिक और पीसफुल टाइम है जो आप अपने लिए देख पाएंगे ठीक है सो इट्स ग्रेट देन वी हैव द देयर द करियर द पेज ऑफ पेंटिकल करियर में आप अपने लिए एक्शंस ले रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म के प्लानों के लिए जो भी आपका गोल है बिग ड्रीम है वो गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस सेटअप करने की बात है या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ड्रीम कंपनी को टारगेट करना टू ओन आ जॉब यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि अभी आप एजो पेंटिकल इट्स टाइम जहाँ पे आप दूर का प्लान करके उसमें एक्शन ले रहे हैं मतलब दिस वीक इज़ कमिंग वर्किंग हार्ड दिस वीक इज़ कमिंग लाइक यू आर रियली वर्किंग विद ऑल द यू नो कॉन्फिडेंस एंड गट्स तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है जहाँ पे वर्क भी है पॉजिटिविटी भी है कॉन्फिडेंस भी है और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपनी सारी सिचुएशंस को हील भी कर रहे हैं हैप्पी आ रहे हैं आप ठीक है सो दिस इज़ ग्रेट इवन कहा आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है देख लेते हैं पे अटेंशन टू योर बॉडी सो सी दिस इज़ द टाइम जहाँ पे रेजोनेट होने को आ रहा है हील होने को आ रहा है सारी चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी यू नीड टू पे अटेंशन ऑन योर इंट्यूशन योर बॉडी उनकी आपकी बॉडी क्या कह रही है केयर उसकी ये ज़रूरत करने की ज़रूरत है देन वी हैव अनदर मैसेज एज अप्रीशिएट एवरीथिंग तो जो चीज़ें अच्छी हैं उसको अप्रिशिएट करें जो भी आपके आसपास अच्छा हो रहा है जो आपके पास अच्छा है डेफिनेटली इट्स टाइम टू शो द्रैटिट्यूड क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तभी आपके लिए कुछ और भी अच्छा होगा अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूट ही शो नहीं करेंगे आपके आसपास जो चीज़ अच्छी हो रही हैं और इफ़ समन इज़ डूइंग ग्रेट तो यू शुड अप्रिशिएट ठीक है अप्रिशिएट करोगे तो ही आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी सो दिस इज़ ऑल आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैम जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू ओके बाय हाय स्कॉर्पियो जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए क्या बन रहा है सो फर्स्ट वी हैव द टू ऑफ शॉट इन पर्सनल लाइफ और करियर में अगर हम देखें तो वी हैव द हेरोफेंट सो आपके लिए स्कॉर्पियो ये कैसा वीक है जहाँ पर्सनल लाइफ में हारमोनी आ रही है हाँ आप दोनों या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जिससे कि घर में हैप्पीनेस आ जाए फैमिली में हैप्पीनेस रहे रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बने क्लोज़ कनेक्शन बने तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग आपका हैप्पीनेस या उनकी तरफ से चॉइसेस, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए वेलकम हो रहा है कि यस, आई एम एक्सेप्टिंग यू यू आर एक्सेप्टिंग मी इस तरीके से सो इट्स अ गुड टाइम ये हीलिंग टाइम है कहीं पे नाराज़गी है कहीं पे फाइट है कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट है तो वो सब सॉल्व आउट हो जाएंगी दूसरी चीज़ यहाँ पे आप कुछ थोड़ी चीज़ों को ले डाउटफुल रहेंगे कि अब आपको क्या एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज आ रहे हैं अपने मन और माइंड के बीच में आपका मन ये कह रहा है माइंड ये कह रहा है तो पर्सनल लाइफ में इस चीज़ का आप कन्फ्लिक्ट यहाँ पाएंगे कुछ कन्फ्यूज़न्स आपके बन जाएंगे ओके सो so, इस चीज़ को लेकर आपको यहाँ सोचना होगा कि आप गो विद योर इंट्यूशन नॉट विद द वर्ल्ड ये मैंने आपको एडवाइस दे दी है अपने इंट्यूशन अपने मन के साथ आगे बढ़ें वो ही चुनें देन वी हैव दैरोफेंट सो यहाँ पर टू अफसॉर लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी एक चीज़ आ रहा है अगर आप लीगल चीज़ों में हैं रिलेटेड टू द लैंड प्रॉपर्टी और आय दा सम मनी और आय द सम काइंड ऑफ डाइवोस और इशूज़ तो वहाँ पर भी अब हारमनी आ रही है पीस आएगा मतलब रिजल्ट आएंगे अच्छे ठीक है देन वी हैव दैरोफेंट एंड दिस इज़ ऑल इंडिकेटिंग आप इंटरव्यू या फिर एक हायर अथॉरिटी की लॉ ऑर्डर गवर्नमेंट इनकी किसी न किसी वर्क इन्वॉलमेंट में आपका कनेक्शन बन रहा है दिस इज़ समथिंग बहुत ही ऑथेंटिक और जो हमारे लिए स्टेबल जो कंपनी होती है या फिर हमारा जो वर्क होता है या फिर जो हमारी हमको राइट्स मिलते हैं यू आर एंगेजिंग विद डैट सो यहाँ पर आप इस वीक में करियर को लेके जो यू you नो know, हमारे जो बिज़नेस रूल्स या फिर कंपनी रूल्स और आइदर टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड डिस्कसिंग एवरीथिंग विद द हायर पोजीशन इन सब के साथ आप इंजॉय करेंगे नॉट बेसिकली इन्जॉय बट बेसिकली आप उनके साथ इन्वॉल्व uh, हो रहे हैं और यहाँ अगर आप अब्रॉड लॉ ऑर्डर या कोई पेपर वर्क के लिए सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ पूरे होने के चांसेस हैं साथ ही साथ यहाँ पे हेरूफ्रेंड आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि द की टू सक्सेस एक हा एक्सपीरियंस पर्सन से गुरु से मेंटर से एडवाइस स्टूडेंट एज एन प्रोफेसर से कहीं ना कहीं आप एडवाइस लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आपके जो भी मेंटर हैं या फिर जो आपके गुरु हैं या फिर जिन से आप गाइडेंस ले सकते हैं आपका यहाँ अच्छा रहेगा अगर आप इस वीक में गाइडेंस लें सो देट यू हैव ऑल द कलेरिटी सक्सेस की की आपको मिल जाएगी ओके okay? तो इस वीक में आपके लिए कुछ इंटरव्यूज भी आ सकते हैं अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं सो लेट मी सी वॉट इज़ कमिंग फॉर यू एक्सेस योर रिलेशनशिप यहाँ पे फिर वही आया है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस देना तब ये है अगर आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो जस्ट फोकस ऑन रिलेशनशिप नथिंग एल्स ठीक है इट्स टाइम टू मोर फोकस ऑन द पर्सन ये आपके लिए आ रहा है एंड देन वी हैव हेयर सीधा सिंक्निटी ये एक टाइम है कि आप एक पैटर्न को देखें वॉट पैटर्न इज गोइंग ऑन वॉट काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस आर कमिंग विक्ट्री किस चीज़ से हो रही है डाउनफॉल किस चीज़ से हो रहा है तो इट्स टाइम टू ऑब्जर्व ऑल द चार्ट ग्राफ एंड स्ट्रेंथ ग्रोथ एंड यू नो जर्नी इस पर आपको देखने की ज़रूरत है सिंक्निटी यहाँ पर एंजल नंबर भी आ रहा है तो आप गाइडेंस लेंगे अगर एंजल गाइडेंस तो उससे आपकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी ओके सो दिस इज़ ऑल विशिंग यू आर वेरी गुड लक एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स लकी जैम स्टोन जो आपके हेल्प कर सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई सजेस्ट यू बाय हाय सजिटेरियस जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली सो फर्स्ट वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ट्स फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए द स्टार तो सेजिटेरियस ये बहुत ही विन विन वीक है क्योंकि आप दोनों जगह पर हैप्पी आ रहे हैं क्योंकि सिक्स ऑफ बॉन्ड्स फैमिली हाउस फ्रेंड्स पार्टनर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ अटेंशन बन रहे हैं नेम एंड फेम ले रहे हैं विक्ट्री ले रहे हैं सेलिब्रेशन हो रहा है इन्जॉय कर रहे हैं तो इस वीक में आपको इस तरीके की गुड न्यूज़ या रीज़न मिलेंगे जहाँ पे आप खुश हैं हैप्पी हैं और हर कोई आपको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहा है दे इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज प्रपोजल्स एंड एवरी इफ़ यू आर होपिंग फॉर या आपकी फ़ैमिली में ही कुछ ऐसी गुड न्यूज़ जिनसे कि हर कोई यहाँ पर यू कैन सी द कैंडल्स आर कमिंग फॉर एन्जॉयमेंट द म्यूजिक इज कमिंग फॉर फन एंड यस यू आर ऑल्सो हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस तो आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अच्छी जगह पार्टी इन्जॉयमेंट में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा फील होगा ये जहाँ आप भी बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रहा है आपको लोग वैल्यू और रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं सो दैट इज़ ग्रेट गो हैड आपसे ही रिलेटेड इवेंट्स प्लान या फ्यूचर की आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी कि अब ये होने वाला है ऐसा ठीक है एंड द स्टार इज़ कमिंग फ़ॉर योर स्पेशली क्योंकि यहाँ ये मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रूम की भी एनर्जी है तो द स्टार इज़ कमिंग फॉर योर करियर और करियर में आप बहुत अपने आप को यू नो आप चाहते हैं कि आपके एक्नॉलेजमेंट मिले आपको रिवॉर्ड्स मिले आपके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन मिले और आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट मिले और वही चीज़ आप जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं इस वीक में हारमनी है नेम एंड फेम है पीस है प्रोस्पैरिटी है यू आर मैनेजिंग सो वेल सारे रिलेशन कॉपरेट चीज़ें और अपना वर्क शेड्यूल अपनी हेल्थ आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं द स्टार इज़ कमिंग कि यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार यू आर ग्रोइंग यू आर गेटिंग द फेम ओके तो साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत आप फॉलो कर रहे हैं योर करियर जिससे कि सारी चीज़ों को आप आराम से हैंडल आउट कर लेंगे सो मी सी आपके लिए और गाइडेंस क्या है चेक कर लेते हैं सो फस्ट वी हैव नोटिस दैट स्पेशल पर्सन दिस इज द टाइम यू हैव टू नोटिस अबाउट यू नॉट अदर्स जितना ज़्यादा आप अपने आप में कॉन्फिडेंट और अपने आप को स्पेशल फील करेंगे आप अपने आप को जज नहीं करेंगे आप अपने टैलेंट स्किल्स और हैप्पीनेस को देखेंगे देन यू विल हैव द मोर हैप्पी टाइम टूगैदर ठीक है अपने साथ अनदर मैसेज फॉर यू इज लेट मी सी रिफ़्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो यहाँ पे आपको मैं बोल रही थी ना spirituality आपके एक अच्छा वो बनेगा तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ईगो एंड प्राइड में बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है और उस चीज़ को समझ के फिर आगे बढ़े. क्योंकि आप जो नेम फेम हैपीनेस सक्सेस और अबेंडेंस चाहते हैं उसके लिए आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है तभी आप वो चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे द बिग सक्सेस ठीक है स्टार और यहाँ पर आपके लिए फेम आ रहा है सो दिस इज ऑल फॉर यू सजिटेरियस आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी बट इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू ओके बाय हाई कैप्रिकॉन जान लेते हैं ये वीक आपके लिए क्या कह रहा है सो फर्स्ट वी हैव लेट मी सी द स्टार एंड आपके करियर के लिए क्या एनर्जी है वी हैव द टावर देखो कैप्रिकॉन यहाँ पे जो दो, दोनों है मेजर आकाना है तो बिग चेंजेस बिग थिंग्स आर कमिंग फॉर यू सो फर्स्ट थिंग द स्टार इज इंडिकेटिंग कि इस वीक में यू आर एक्चुअली हैंडलिंग मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल और पर्सनल लाइफ में हीलिंग हैप्पीनेस योर ओन हेल्थ योर ओन मेंटल पीस और सारे रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा पीस लाना मोटिवेशन लाना ये आप यहाँ पर कर रहे हैं तो ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे यू आर शाइनिंग एंड यू आर बैन मैले लाइक यू नो मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल और आप अपने ख्याल भी रख रहे हैं रिलेशनशिप्स को भी अच्छा रख रहे हैं और आप मल्टीपल टास्क को बहुत अच्छे से कर रहे हैं सो इट्स लाइक शाइनिंग यू आर शाइनिंग इन दिस वीक आप अपनी तरफ से जो भी टारगेट्स जो भी प्लान लेके चलेंगे आप उनको कर पाएंगे और हीलिंग की तरफ स्परिचुअलिटी की तरफ नेचर की तरफ आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन रहेगा आप ज़्यादा उस तरफ अपने आप को इन्वॉल्व होता देख पाएंगे तो जो आपका पैशन है जो आपका मन है जो आपका हॉबी है आप उसमें ज़्यादा अपने आप को एंगेज रखेंगे तो ये सेल्फ़ डेवलपमेंट सेल्फ हीलिंग सेल्फ़ लव सेल्फ केयर की एनर्जी इस वीक में दिख रही है कैप्रिकॉन जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा ठीक है हारमनी की तरफ देन द करियर वाइज आ रहा है आपके लिए टावर और करियर में ही टावर इंडिकेट कर रहा है कुछ चीज़ों के अंदर सडन यू नो डिसअपॉइंटमेंट या फिर जो चीज़ें आप किसी उम्मीद को लेकर चल रहे थे आप कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपने ऐसा सोचा था कि ये होगा ऐसा ना ऐसा उसमें आपको यहाँ पर ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि टावर यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि जो चीज़ कुछ जो आपने अपने मन में सोची हुई हैं वो रियलिटी एंड फैक्ट्स में उतनी रियल नहीं है तो जो इमेजिनेशंस हैं उनका यहाँ पे एंड हो रहा है ओके सो इट्स लाइक अ यू विल गो ना सी द रियलिटी इन दिस वीक यू विल गोइंग टू सी द ट्रुथ यू विल गोइंग टू सी कि आप कितना एक्सपेक्ट करें और कितना नहीं करें कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है इस तरीके से आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि टावर यहाँ पर शैटर करने को आ रहा है एनर्जी एनर्जी शैटरिंग यू नो मीन्स चीज़ें आपकी यहाँ पर कुछ चीज़ें रुक रही हैं रिजेक्ट हो रही हैं या फिर यू नो टूट रही हैं ओके लेट मी सी आपके लिए ओले कर गाइडेंस क्या है क्लियर आउट डैबरी सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपने पास की चीज़ें या शूज़ जो वरीज हैं उन सबको आप गुड बाय बोलें क्लियर करें सारी चीज़ों को इट्स टाइम टू यू नो लाइक अ रेजुनेट योर और जिससे कि आप एक हैप्पी क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ पाएं पुरानी बातों को अब गुड बाय बोलना होगा And surrender to the divine. Somewhere it's good कि आप go with the flow, आप अपनी तरफ से बस manifest करें और आगे बढ़ें. बहुत ज़्यादा exhausted होना, traumatized होना and uh, tension लेने की वजह आपको अब जो चीज़ आपके control में नहीं है, उसको universe पे छोड़ देना है. So this is all coming for you Capricorn. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी बट इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जैम स्टोन जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं सो so आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं ओके सो दिस इज़ ऑल विशिंग यूर वेरी गुड लक बाय हाय एक्वेरियस जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सो वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ट्स फॉर यू पर्सनल लाइफ एंड करियर में देखें So we have the three of wands. सो एक्वेरियस इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू क्योंकि दोनों जगह पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस वीक में आपकी एनर्जी एक नया मंथ स्टार्ट हुआ है एंड यू आर कमिंग विथ विक्ट्री लव अफेक्शन हैप्पीनेस और लॉट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी जहाँ आपके आस पास गुड न्यूज़ के रीजन्स हैं आपके आस पास ऐसे कनेक्शन बॉन्डिंग सोशल यू नो लाइफ और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स फैमिली है तो उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इट्स मोर लाइक कि आप वहाँ पर चीज़ों को लेकर आपकी जो वैल्यू है वो भी बहुत बढ़ रही है ठीक है सो दिस इज़ ग्रेट कि आपके पास रीज़न होंगे टू स्माइल टू हैव अ हैप्पी टाइम और टू कॉन्जुलेट अदर्स और टू यू और सिक्स ऑफ वांड्स यहाँ पे अगर आप मैरिज के भी एक्सपेक्टेशंस कुछ रख रहे हैं तो मैरिज को लेके या ट्रैवलिंग को लेके या फन पार्टी को लेकर भी आप यहाँ एक्टिव रहेंगे आपको यहाँ मिलेगा देखने को कि हाँ यू कैन एनरोल एंड यू बी अ पार्ट ऑफ दिस हैप्पी टाइम ठीक है तो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे बॉन्डिंग यूनिटी बहुत अच्छी दिख रही है और एवरीबडी इज़ गिविंग यू दी रेस्पेक्ट ओके एवरीबडी इज़ एप्रिशिएटिंग यू आपका काम आपकी चीज़ें आपके एक्शंस को बढ़ावा दिया जा रहा है दैन वी हैव द थ्री ऑफ बॉन्ड्स एंड दैट्स रियली पॉजिटिव क्योंकि इस वीक में आप अपने करियर को लेके भी फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं और यू आर थिंकिंग कि क्या ये जो आपकी जो एक्शंस हैं इस बेसिस पे क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होगा क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सेटल है और विल इट बी फॉर फ्यूचरिस्टिक थिंग लाइक यू नो बेनिफिशियल फॉर फॉर तो आप अपनी चीज़ों को अब यहाँ जहाँ तक आप आ चुके हैं यहाँ से आप एनालिसिस कर रहे हैं कि विल यू मूव फॉरवर्ड विद दिस क्या ये आपके लिए लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस सक्सेस देगा सो so, आप रिजल्ट्स के बारे में बहुत सोचेंगे इस वीक में जिसमें कि आप मोटिवेट ही होंगे जिसमें कि आप और कॉन्फिडेंट ही होंगे और आप अपने मन में सोचेंगे कि अब आपको क्या क्या प्लान करके आगे बढ़ना है सो so, एक बहुत सेटल माइंड आ रहा है रिलैक्स माइंड आ रहा है एक्वेरियस और विद ऑल द्लियर माइंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड सो यहाँ देख लेते हैं आपकी एनर्जी के लिए क्या आ रहा है विजुअलाइज अल्दी बॉडी एंड माइंड तो जैसा आप पॉजिटिव विजुअलाइज करके चलेंगे वैसा ही आपको अपने आसपास सिचुएशन दिखेगी आपको यहाँ अपने ऊपर अब टाइम देने की ज़रूरत है एंड अगर हम यहाँ बात करें आपके लिए सो टेक स्टेप टू गेट हेल्दी देखो आपके लिए हर जगह पर एक हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी यू की एनर्जी है सो इट्स अ हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और पैशनेट अबाउट समथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ठीक है आपको यहाँ ज़रूरत है ध्यान देने की अपनी हीलिंग की तभी ही यहाँ पे हर जगह पे आपके लिए एक रिलैक्सिंग एनर्जी आ रहा है ठीक है सो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट यू योर हेल्थ योर फ्यूचर लाइफ लॉन्गेटिविटी ओके सो दिस इज़ ऑल आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें और इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जाय फॉर यर लक क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीजों को बदल सकते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं ओके बाय हाई पाइस जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली सो फर्स्ट वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ट्स और करियर में हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्ट्स तो सेवन ऑफ वॉन्ट्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ट्स तो पाइस ये जो वीक है ये दोनों जगह पे देखें तो सेवन एंड फाइव नंबर आ रहा है अनस्टेबिलिटी uh, का सबसे पहले तो सेवन ऑफ वनस यहाँ पे आपके लिए और लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट वेलकम एंड यू नो मोटिवेशन ये नहीं देखने को मिलेगा आपको आपके आसपास के लोग अगेंस्ट ही मिलेंगे सो यू हैव टू रेज योर वॉइस यू हैव टू टेक अ स्टैंड यू हैव टू यू नो कीप योर हाई वॉइस फॉर योर राइट्स यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपको यहाँ ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ सही है जो राइट है उसका स्टैंड लेना उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना और अगर इस तरीके से आपको कहीं situation दिख रही है जहाँ पर और लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो वहाँ पर भी आप इस वीक में स्टैंड लेंगे वो social प्लेटफॉर्म हो पब्लिक का कोई इशू हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका ऐसा लगता है कि जो जर्नल अवेयरनेस में आती हैं सो पर्सनली अगर मैं ये देख रही हूँ तो सेवन ऑफ वंड्स हर कोई आपके फेवर में नहीं होगा या आपकी ओपिनियन के फेवर में नहीं होगा तो यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव वाइब्स रखनी होंगी और अपने वॉइस को रेज करना होगा फॉर योर ओन राइट्स ठीक है और यहाँ पे आपकी एनर्जी में एंगर भी आ रहा है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को वेलकम नहीं करें यू विल डिटेच योर सेल्फ यू है ना अपने आप को थोड़ा और स्पेस मेंटेन कर लेंगे इसी के साथ यहाँ पर आ रहा है फाइव ऑफ वनस ऑफिस में कलीग्स में स्टूडेंट या फिर एनी यू आर इन अ करियर वहाँ पर भी ओपिनियन बहुत मिसमैच दिख रही है कंपटीशन दिख रहा है एंड इट्स अ गुड एनर्जी एक्चुअली इन वन वे क्योंकि कंपटीशन मीन्स अपॉर्चुनिटी तो इंटरव्यू देना या फिर कहीं पर अपने आप को प्रूव करना राइट right, या अपने अपनी बात या अपनी पॉलिसी या अपनी वर्किंग आइडिया को यहाँ पे क्लेम करना ये आपको करना होगा और वहीं दिख रहा है कि और लोग बहुत सपोर्ट में या और लोग आपके लिए रास्ता नहीं खोल रहे हैं आपको वहाँ पे भी कंपटीशन को क्रॉस करके ही आगे जाना होगा तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी आसानी से अपने आप कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं ओके और गाइडेंस क्या है देख लेते हैं सो फर्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू दिस इज़ ऑल देखो आपके लिए यही आ रहा है लिक्वेंशन कंट्रोल तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा और जो लोग हैं या और आस पास की चीज़ें हैं वो आपको कंट्रोल जो कर रही हैं जो टेम कर रही हैं जो जैसे चला रही हैं हायर अथॉरिटी तो जनरल सेंस में पब्लिक या फिर आपकी जो बेनिफिट की चीज़ें हैं उसके लिए अब आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है अवेयर होने की ज़रूरत है ठीक है तो पब्लिक डोमेन पे भी यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं एंड एक्सपेक्ट अ मेरेकल समवेयर इतनी कन्फर्ट्स के साथ आपको एक्सपेक्ट रखना होगा होप रखनी होगी कि चीज़ें अच्छी होंगी फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे अभी कंटिन्यू अपने चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो यू हैव टू एक्सपेक्ट द मेरेकल एंड येस बी रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन सो दैट आप आसानी से चीज़ों को अचीव कर पाएँ सो दिस इज़ ऑल आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी एंड इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन दे आर रियली लकी फॉर यू और ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं सो so आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए आई विल सजेस्ट यू ओके दिस इज़ ऑल बाय